भी पड़ने वाला है। क्या बीजेपी अपने पुराने सहयोगी को छोड़कर एकला चलो की राह पर निकलने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि विरोधियों ने आशंका जताई है कि जिस तरह से पुराने साथियों को बीजेपी ने छोड़ा है, ठीक उसी तरह अब नीतीश कुमार को अमित शाह छोड़ देंगे। हालांकि एनडीए ने इन सारे सवालों को महज कल्पना करार दिया है। बिहार का चुनाव आएगा तो अब देखिएगा कि एनडीए बिखर चुका होगा। झारखंड का हवा बिहार आना भी तय है। क्या झारखंड की राजनीति का असर जेडीयू और बीजेपी पर होगा? क्या शिवसेना की तरह जेडीयू और बीजेपी में भी होगा तलाक? ये दोनों सवाल इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। और सिर्फ सियासी गलियारे ही क्यों, आम सियासी चर्चाओं में भी ये सवाल पूछे जाने लगे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ वही हुआ, अब झारखंड में महाराष्ट्र का हवा पहुंचा, झारखंड में भी एनडीए खंड खंड हो गया। बिहार के जो भाजपा के नेता हैं वो नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अमित शाह जी उनके कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा में ही मेरा यही है। तो भाजपा में भी नीतीश कुमार पे अंतर्द्वंद है कि क्या बिहार में बीजेपी अपने पुराने साथियों को छोड़कर एकला चलो की राह पर निकलने वाली है। विपक्ष की माने तो बीजेपी नेतृत्व को लगने लगा है कि वो अपने दम पर किसी भी राज्य में सरकार बना सकती है। बिहार में भी इसकी संभावना है, लेकिन क्या इतना आसान होगा? बिहार का यह अलायंस एक रोल मॉडल है अलायंस की पॉलिटिक्स के लिए और यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ रहा है। एनडीए गठबंधन के जितने सहयोगी हैं और उनके नेता हैं उनका भी भाजपा बहुत सम्मान करती है। दरअसल झारखंड में बीजेपी और एजेएसयू के बीच संबंध टूट गए तो महाराष्ट्र में शिवसेना से सारे रिश्ते खत्म हो गए। इसके बाद अब कयासों के बाजार गर्म हैं कि इसका इफेक्ट बिहार की राजनीति में भी पड़ने वाला है। लेकिन अभी के हालातों को देखकर लगता नहीं कि नीतीश और शाह दूर होंगे, लेकिन भविष्य की सियासत में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। धीरज के साथ रूपेंद्र,